वेलकम टू सरमिस किचन। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आइए, आज मेरे किचन में मैं क्या बनाने जा रही हूँ उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दही बनाने जा रही हूँ तो उसके लिए ली हूँ मैं मैदा। ये 2 कप मैदा है, 500 ग्राम मैदा है, और इसमें दूंगी थोड़ा सा नमक। इसको मैं पूरा घी में गूंदूंगी, मैं ऑयल नहीं दे रही हूँ, ये पूरा देसी घी है, मैं देसी घी में गूंदूंगी, तो इसलिए मैं देसी घी ली हूँ। और पानी छोड़ के मैं आज दही से इसको गूंदूंगी, तो मैं दही ली हूँ पूरा बाजार जैसा, जैसे हलवाई लोन करते हैं मैं आज वैसे ही बनाने जा रही हूँ। तो मैं दही से इसको गूंदूंगी। पहले मैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर दे दे रही हूँ उसमें, नमक, बेकिंग पाउडर और मैदा, ये तीनों को मैं मिक्स कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं ये घी ली हूँ, घी दे दूंगी, ऑयल नहीं दीजिएगा, बालू सही में कोशिश कीजिएगा मोइन घी से देने के लिए, क्योंकि हलवाई लोन घी देते हैं, उसका एकदम पूरा जैसे बाजार में आते हैं वैसे ही लगेगा आपको खाने में। मिला ली हूँ इसको, मैं गूंदूंगी नहीं, जस्ट मिलाऊंगी, तो इसीलिए मोइन मैंने मिलाना है, बस ऐसे करके उसको मिला देना है, इसको गूंदना नहीं है, एकदम रगड़ रगड़ के मोइन नहीं देना, जस्ट मिलाना है ऐसे करके। मैं घी को पहले मिला दी हूँ, मैं दही देते जाऊँगी मिलाते, पहले मैं दही को थोड़ा फेंट ली हूँ, पतला कर ली हूँ फेंट के, अब मैं इसको मिला लूँगी अच्छी तरह, गूंदूंगी नहीं, मिलाना है, जस्ट मिलाना है। मैं जस्ट जोड़ जोड़ के रख दे रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पानी दी हूँ, ये कटोरा धो के जो दही का ली थी, पानी इसमें यूज़ नहीं करना है, बट मैं थोड़ा सा दही दही लगा था उसको कटोरा धो के ली हूँ। इसको पूरा दही में ही गूंदना है, बस इसको जोड़ के रख देना है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको बस जोड़ना है, ये देखिए ऐसे ऐसे करके जोड़ देना है, जोड़ना है, देखिए मैं गूंद नहीं रही, जोड़ रही हूँ, ये देखिए ऐसे ही आएगा परत, जस्ट जोड़ के रखना है। मैं जोड़ ली हूँ, अब मैं इसको रेस्ट में छोड़ दे रही हूँ। चाय के लिए चाशनी तैयार कर ले रही हूँ। 1 कटोरी में चीनी ली हूँ, इसका ज़्यादा नहीं, आधी कटोरी पानी दूंगी, ये पूरा एकदम एक तार का चाशनी बनाऊंगी, ठीक चाशनी। चीनी को मेल्ट कर ले रही हूँ अच्छी तरह, देखिए मैं चीनी मेल्ट कर ली हूँ। कुछ केसर के धागे पहले से गर्म पानी में भिगो के रखी थी, इसको भी दे दूंगी। इस जगह अगर केसर के धागे आपके पास नहीं रहते तो आप इस जगह कलर यूज़ कर सकते हैं, केसर कलर, तो मेरे पास था, मैं ये केसर दे दी हूँ, इसको भी मिला ले रही हूँ, कैसे कलर आ गया। इसमें मैं ये आधा नींबू ली थी, इसका रस दे दूंगी, रस को ट्रांसपेरेंट के लिए, फिर से इसको 1 मिनट पका लूँगी। ये देखिए मेरे एक तार की चाशनी रेडी है शायद, मैं फिर भी चेक कर ले रही हूँ, ये कटोरा में मैं 2 बूंद दे रही हूँ, दे के ठंडा करके चेक कर ले रही हूँ, चाशनी एकदम परफेक्ट है। ये देखिए कैसे ठंडा होने के बाद में ये नीचे धीरे धीरे आ रहा है, देखिए निकाल ले रही हूँ, फिर रेडी है चाशनी। ये बालूशाही को फ्राई कर लेते हैं, मैं इधर तेल बैठा दी हूँ, कैसे परत आ गया है, इसको मैं 2-3 बार खोल खोल के इधर उधर कर दे रही हूँ, कुछ नहीं करना, जस्ट ऐसे करके उसको परत को खोल खोल के इधर और इधर कर लेंगे, उसको बेलना भी नहीं, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं, बेलना नहीं, जैसे हलवाई करते मैं आज वैसे ही ट्राई कर रही हूँ। हिसाब से गोटी लेना है, उसको ज़्यादा ऐसे करके रोटी की तरह दबाऊंगी नहीं, जस्ट हल्का ऐसे करना है, ऐसे करके उसको ऐसे करके दबा के ऐसे गड्ढा कर देना, गड्ढा आर पार करना है, तो आप ऐसे बेलना लेके बेलना का जो पीछे है उसको ऐसे करके दबा के देखिए ऐसे आर पार करने से इसके अंदर चाशनी अच्छी तरह चले जाएगा, ये देखिए ऐसे करके उसको, और फ्राई भी बहुत अच्छी तरह होता है ऐसे कर लेने से, ये चारों तरफ से फ्राई भी हो जाएगा। सारे बालूशाही को रेडी कर ले रही हूँ, मैं सारे गोटी को रेडी कर ले रही हूँ ऐसे करके, देखिए उंगली के सहारे से भी आप कर सकते हैं ऐसे करके, बालूशाही रेडी है। अब मैं तेल को चेक कर ले रही हूँ, एकदम गरम नहीं करना है, जस्ट बैठा के थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में गरम करके इसको एकदम लो में कर देना है, तो मैं वैसे ही की हूँ, चेक कर लेती हूँ। ये देखिए ये नीचे बैठ जा रहे हैं, ये धीरे धीरे पकेगा, एकदम गरम तेल में इसको पकाना नहीं है, ये जैसे जैसे ऊपर आएगा दैट मीन्स मेरा तेल रेडी है। अब मैं ये बालूशाही को भी छोड़ दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं छोड़ूंगी, बस इतना ही, अब मैं फ्राई कर ले रही हूँ। देखिए ऊपर आ गया है, मैं इसको अब हल्के हाथों से पलट दे रही हूँ, देखिए मैं इस साइड का पलट दी हूँ और एक साइड अच्छी तरह फ्राई होने के लिए मैं घुमा दी हूँ, दोनों साइड घुमा के फ्राई कर ली हूँ। अब मैं इसको तेज आंच करके इसको एकदम गोल्डन ब्राउन कर ले रही हूँ, ये देखिए गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया, मैं उठा के डायरेक्ट
इस चाशनी में दे दूंगी। चाशनी भी हल्का लिक्विड वॉर्म रहना चाहिए। मैं इसको चाशनी को हल्का लिक्विड वॉर्म कर ली हूँ। अब इसमें मैं डायरेक्ट बालूशाही देते जाऊँगी। बालूशाही को मैं एकदम चाशनी में डुबो दे रही हूँ। इसको 5 मिनट रखना है चाशनी में, तभी ये रस अंदर तक जाएगा। इसको मैं भी पूरा डुबो दे रही हूँ अच्छी तरह। देखिए मैं बालूशाही एकदम रस चले गया, कितना बड़ा बड़ा हो गया है। दोनों तरफ से मैं पलट दी थी 5-5 मिनट। उसके ऊपर से मैं कुछ पेस्ता ली थी, ये गार्निश कर दूँगी। रेडी है हलवाई जैसा। मैं बहुत मेहनत के बाद में ये डिश बनाई हूँ, क्योंकि मैं खुद हलवाई से ये सीखी हूँ, तभी जाके मैं ऐसे बना पाई हूँ। आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा।